ये तुमसे प्यार करता है। ओ सही में, नमस्ते, थैंक यू आंटी जी, थैंक यू, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग भाई लोगों, बंसी बिश्नोई एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं उज्बेकिस्तान के फरगना शहर में हूँ और फरगना एक रीजन है इनका। तो आज मैं कुछ अमेजिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, उज्बेकिस्तान की दूर दराज विलेज लाइफ पहाड़ों में कैसी होती है, और वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के किस्म की खेती होती है फ्रूट की, और साथ में वहाँ पे घोड़े, गाँव, वैली जो भी देखने को मिलेगा यहाँ के लोगों की लाइफ, वो दिखाऊंगा इस वीडियो में। अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ टैक्सी का, यंडेक्स गो से मैंने टैक्सी किया, 7000 सोम पे करूँगा, कोई 50 रुपये के आसपास। और मैंने यहाँ पे एक बंदे को दोस्त बनाया जो लोकल बंदा है, जैसी टैक्सी आती है उस बंदे से मिलेंगे। बस मैंने उस बंदे को सिर्फ सब्जी मार्केट में गया, बात किया तो वो बंदा इंग्लिश भी बोल रहा था थोड़ा थोड़ा, तो वो बोला कि मैं आपको घुमाने ले जाऊंगा गांव में। उसके लिए मैंने 2 दिन का वेट भी किया है, और फिलहाल मैं यहाँ पे रुका हूँ। इसका एड्रेस ये है, इस शहर में पहुंच के किसी को बताओगे तो आपको एड्रेस के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ $10, करीबन 800-850 रुपए, सिर्फ मैं अकेला ही हूँ, पूरे हॉस्टल की चाबी मेरे पास है। तो चलते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये भाई के लिए कॉमेंट करके बताइए, मुझे भी अनुभव नहीं है, आगे चल के अनुभव होगा, जो होगा मैं आपको दिखाऊंगा। लेट्स गो। अभी इन भाई साहब के साथ में बाजार में जा रहे हैं, और थैंक यू, माय नेम बंसी, एंड यू? शफकत। शफकत भाई, ओके। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली और हेल्पफुल होते हैं, तो ठीक है, अब चलते हैं बाजार में, मिलते हैं आपको, उस बंदे से मिलाएंगे जो अपने को ले जाएगा, फिर देखो क्या देखने को मिलता है। ये देखो भाई साहब आ गए हैं, गुड। ये भाई हमें घुमाने ले जाएंगे, जो मुलाकात हुई थी मार्केट में, और तैयार होके आ गए। आज इनका 12 बजे के बाद इन्होंने छुट्टी रखा है। लेट्स गो, आर यू रेडी? हाँ, ओके, लेट्स गो। सो अभी हम मार्केट में हैं, और यहाँ से बस पिक करेंगे, यहाँ रिक्शा टैक्सी जो भी मिलेगा, रिक्शा तो यहाँ चलता नहीं है, तो यहाँ से हम बैठ के जाएंगे टैक्सी में। आज भाई साहब ने अपने लिए छुट्टी रखी, अपनी दुकान पे किसी और बंदे को रखा है। सो टुमारो तस्कन, नो तस्कन, थैंक यू, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, लेटर लेटर लेटर, पीपल इज टू फ्रेंडली। तो ये मार्केट है भाई, उज्बेकिस्तान के फरगना सिटी। ज़िंदगी में मेहनत कितना ज़रूरी है देख लो भाई, उज़्बेक वुमेन भी यहाँ पे काफ़ी हार्ड मेहनत कर रही है। ये देखो रोटी लेके जा रहे हैं, तो काफ़ी मेहनत लाइफ में ज़रूरी है भाई। सो भाई हमें टैक्सी भी मिल गई यहाँ पे, और टैक्सी यहाँ पे होती है कार, अपने वहाँ जैसे कार होती है ना वैसे ही कार में टैक्सी बना दिया, 4 लोगों के लिए, 3-4 पैसेंजर बैठेंगे। पता नहीं इनको इस भाड़े में भी ये पोसाता है, परवड़ता है गुजराती में बोले तो। और इन्होंने प्रे कर दिया गॉड से कि हमारी जर्नी अच्छी हो, सेफ हो। लेट्स गो, 15 किलोमीटर दूर जाते हैं एक गांव में, जो गांव काफ़ी फेमस है, वैली है पूरा, और वहां से बहुत अच्छा माउंटेन व्यू भी दिखेगा। तो भाई यहां पे देख सकते हैं अभी से ग्रीनरी और हरा भरा दिखाई देने लग गया, कुछ पहाड़ जैसा सीन दिखाई दे रहा है, और यहाँ के लोग पंखा हाथ में रखते हैं, क्योंकि इन लोगों को बहुत गर्मी लगती है, तो एक छोटा सा पंखा होता है जो खुलने वाला होता है ना, वो ऐसे ऐसे वो वाला पंखा, बहुत सारी औरतों को मैंने हाथ में देखा है, जो हमारे साथ बैठी है ना उनके भी हाथ में वो पंखा है। तो भाई मेन रोड से उतर के हम लोग अब एक इस रोड पे जा रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत ग्रीन है। ये भाई साहब ने पैसा भी मुझे नहीं देना दिया, खुद ने दिया यार, मैं बोला नहीं नहीं मैं देता हूँ, मैं लेके आया हूँ, मुझे देना चाहिए ना पैसा। तो ये भाई साहब ने अभी पैसा नहीं दिया, लेकिन मैं इनको वापस दूंगा जरूर, वहाँ जाके भी दूंगा। अब इधर का नज़ारा देखो यार, इतने सारे लोग। ब्रदर, व्हाट दिस विलेज नेम? अव्वल। अव्वल, दिस इज फेमस विलेज। ये जगह थोड़ा ठंडा है दूसरी जगह से, और वास्तव में इधर ठंडी हवा आ रही है, मैं महसूस कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे यंग लोग आते हैं भाई। ये देखो इधर मिल रहे कुछ खिलौने, और ये गांव की गलियां हैं, और ये है बाजार, बाजार। ये पंखा है देखो, ये वाला पंखा मैं आपको जो बोल रहा था ना, वो ये वाला बैग अपने खरीदा वही है। हेलो, चलो भाई इस गांव की मार्केट दिखाते हैं, और दिखाते हुए चलते हैं। ये
हेलो हिंदुस्तान दे देखा भाई, यहाँ की महिलाएं काफ़ी फ्रेंडली और कैमरा फ्रेंडली भी है। रेस्टोरेंट देर इज ए रेस्टोरेंट, ये है उज्बेकिस्तान की मार्केट। Traveling place, man. Yeah, it's touristic place. Yeah, touristic. There. But not foreign people. Only. It's coming here. Only local. Local or some people. Other people. For example. Oh, yes, yes. For example, you and some. Oh, it's river. अच्छा नदी चल रही भाई। और यहाँ पे देखो भाई, ये सब मार्केट सजी हुई है, खरीदारी कर रहे हैं। हाँ ये देखो कितना सारा पानी बह रहा है भाई यहाँ पे। इट्स वेरी क्लीन वाटर, यह कमिंग फ्रॉम माउंटेन, यह बॉर्डर माउंटेन है। This water is very cold? Not cold. Not cold? Little cold. Little cold. तो यहाँ पे भाई पानी चल रहा है बढ़िया इस बाजार के नीचे से, और भाई मुझे यहाँ लेके आए हैं, कुछ लोग यहाँ पे सो रहे हैं देखो, और ये दुकानें लगी है। This is also shop, sitting area. Meeting, maybe sitting. अच्छा ये छोटे छोटे shelter बने हुए हैं, ये charge money? और फैमिली के साथ आप नदी के किनारे बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, तो ये एक प्रकार से गेस्ट हाउस कह सकते हैं कुछ घंटों के लिए, ऐसा कुछ सीन है। देखो ये फैमिली यहाँ पे एंजॉय कर रही है। ये आई सी इन अफगानिस्तान आल्सो दिस थिंग। हाँ भाई मज़ा आ गया भाई, और बहुत ठंडा लग रहा है, कूल कूल वेदर, बिकॉज इंडिया हैव मोर हॉट। ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी चल रही है, बड़े बड़े महिलाएँ बच्चे यहाँ पे झूल रहे हैं। ये देखो भाई झूला लगा है, इधर भी है, बहुत हरी भरी है, जंगल के बीचों बीच है। अभी हम आगे गांव में, पीछे वो वहाँ पे सब नदी और प्रोग्राम चल रहा था, और ये पुराना गांव की गलियाँ आप देख सकते हैं। और इस गांव को एक्चुअली फरगना में गवर्नमेंट ने भी मेंशन किया हुआ है कि ये गांव काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यहाँ पर जो वैली और नज़ारे है ना। दिस इज उजुम, यस ये अंगूर है यहाँ पे। तो ये पुरानी पुरानी दीवारें देख सकते हैं, ये गांव का नज़ारा कुछ है। यहाँ पे पब्लिक रहती होगी, लेकिन इस टाइम पे कोई बाहर नहीं है, इनको बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। कुछ लोग काम करने गए हुए हैं दूसरी जगह पे, कुछ लोग सो रहे होंगे, तो इसलिए यहाँ पे भी गर्मी के टाइम में कोई यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। ये देखो भाई पुराने पतरे वाले घर, ये रेती ला के डाली है, घर बनाने के लिए अंदर काम चल रहा है। ये देखो ये पुराना घर, यहाँ पे देखो धुएं से काला हो रखा है, तो मतलब खाना वाना बनाते होंगे, और ईंटें ला रखी हैं। तो ये है उज्बेकिस्तान लाइफ, और फॉर्म हाउस में भी इनसाइड। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, सच बोल रहे हैं ये भाई साहब हिम्मत वाले, तो इस समय आगे हमें लेकर के इस नज़ारे को दिखाने के लिए। ये देखो यहाँ के घर पूरे बंद होते हैं, दरवाज़ा पूरा कवर होता है, तो अंदर जाना हो तो आपके पास चाबी हो तो ही। अंदर चारा रखा हुआ है, चारा गेहूँ का जो बचा खुसा जो भूसा होता है ना, वो लोग खरीद के ले आते हैं, और यहाँ पे पूरा अपने जैसा ही बंडल बना बना के लोग बेच देते हैं, तो गाड़ी की गाड़ी भर भर के रखते हैं। और ये कुछ गांव का चौराया देख सकते हैं, ऐसा कुछ है। दिस इज वाटर लाइन और गैस पाइप लाइन, गैस लाइन बहुत गैस लाइन, हाँ ये गैस लाइन है, बराबर है। ओके हियर लाइन इन इनसाइड इनसाइड यस, हाँ ओके। तो ये गैस पाइपलाइन है भाई, इन गांव में गैस पाइपलाइन भी है। ये देखो अफगानिस्तान की याद दिलाती है दीवार, इन अफगानिस्तान हैव लाइक दिस काइंड ऑफ वॉल, एंड इन आवर कंट्री इट्स वेरी रेयर, नो रेयर इट मींस What? Means not have a everywhere, just yes. somewhere. Yes, right. बहुत कम जगह पे है, ये घर भी है शायद मिट्टी से बना हुआ देखो, लेकिन बाहर प्लास्टर है, वो सीमेंट से कर रखा है। तो अभी अब उज्बेकिस्तान में ऐसा इतना ज़्यादा नहीं है, उज्बेकिस्तान में थोड़ा
डेवलप कंट्री हो गया है। बाकी अफगानिस्तान में तो भाई हर जगह टूटे फूटे घर, कच्चे मकान, सारे घर पक्के मिलेंगे, सारे घरों के ऊपर नंबर लिखे मिलेंगे, सारे घर वालों के पास एक एक कार होती है, चेवरलेट कंपनी की कार चलती है, दूसरी कोई गाड़ी नहीं चलती। यहाँ पे पेट्रोल बहुत सस्ता है, इंडिया से 3 गुना, मतलब 30-35 रुपये लीटर 1 लीटर पेट्रोल मिल जाता है। अच्छी वाली कार में 4 पैसेंजर बैठा के टैक्सी में चलाते भाई। आओ ये देखो भाई गाँव खेत। तो ये देखो भाई यहाँ पे भी ये दीवार ऐसी अफगानिस्तान वाली, ये भी गेट लगा है। बच्चे साइकिल चला रहे हैं, लेकिन वेदर थोड़ा हॉट है, मौसम थोड़ा गर्म है, लेकिन कोई बात नहीं। हेलो, ओके ओके एंजॉय। भाई साहब फिर भी बोल रहे हैं कि मुझे गर्मी तो लग रही है, लेकिन मैं खुद रोज़ बिजनेस करता हूँ, तो आज मैं भी फ्री माइंड घूम रहा हूँ, मुझे भी गाँव में घूमने का शौक़ है, तो इसलिए हम दोनों यहाँ पे गांव में घूम रहे हैं। कोई पीपल नहीं है, सब लोग अंदर छुपे हुए हैं। यहाँ पे अभी भी लोग एंटीना यूज़ करते हैं। थोड़ा मुंह वो धो लेते हैं। थोड़ा वेदर ठीक हो जाएगा। देखो भाई गांव की खूबसूरती देखो भाई, कितना बढ़िया बढ़िया ठंडा पानी बह रहा है, बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, और लोग यहाँ पे पानी को ख़राब नहीं करते हैं, कोई कचरा नहीं फेंकते हैं। और यहाँ पे देखो ये बच्चे हैं गांव के। हेलो, ये कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई रहने के लिए, तो ये देखो भाई क्या शानदार। iPhone 14 Pro yeah. He interested in phone. You want this phone? Yeah. I give you. देखो भाई ये है उज्बेकिस्तान की खूबसूरत लाइफ, ठंडा पानी बहता हुआ, लोग यहाँ पे वॉक करते हुए, लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं, और इस नदी के किनारे पे बढ़िया से रहते हैं एक दिन के लिए, और काफ़ी अच्छा लगता है इन लोगों को। पानी बहुत साफ है, सुथरा है, साफ सुथरा है। और इंडिया हिंदुस्तान नमस्ते, थैंक यू, नमस्ते बोल रही है आंटी जी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये लोग हिंदुस्तान को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखो इधर मेला लग गया हमारे बच्चों का साथ में। ओके ठीक है, तो अभी फ़ोन हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, इस नदी में थोड़ा फ़ोन को धोया था, ये देखो। सो अभी इस गांव के देखो इधर भी एक बैठने की जगह है कुछ, और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है भाई, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली। हेलो, हाउ आर यू? मैंने पूछा हाउ आर यू तो वो भी बोलते हाउ आर यू, कोई बात नहीं, बच्चे हैं। कार देखो, इस गांव की कार दिखाता हूँ आपको। वाह कैसी कलरफुल कार चलती है इस गांव में। लैम्बोर्गिनी? आई लाइक दिस कार। Have India this car? All time we have an ambassador car like same this. देखो ये सब बैठने की जगह, खाना खाते हुए लोग, enjoy करते हुए लोग नदी के किनारे पे, कितना खूबसूरत है भाई। देखो इस जगह को देखो, ये सब हमारे साथ ही चल रहे भाई, बच्चे लोगों ने तो हमारा पीछा ही कर लिया। Well, what is your name? My name is Farooq. Farooq, you speak good English? नॉर्मल। महिलाएं यहाँ पे वॉक करती हुई, नदी के ऊपर बैठने के सेट बना रखे भाई, नदी के ऊपर बैठने की जगह बना रखी है। ये यहाँ पे देखो महिलाएं काम कर रही हैं, बैठने की जगह है, और एक एक्टिव गांव दिखेगा आपको। हेलो, नाइस, बाय। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बच्चों को ऐसा लगता है हाथ मिलाना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट इज दिस। नमस्ते, थैंक यू आंटी जी, थैंक यू।
भाई नमस्ते बोल रहे। नमस्ते जी, ये तुमसे प्यार करता है। ओ सही में, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे मिलके, आई एम सो हैप्पी भाई। कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता ही है। आई लाइक दिस कलरफुल टैक्सी। तो यहाँ पे ये है पनीर की दुकान, यहाँ पे पनीर मिल रहा है। ये अलग अलग किस्म का पनीर है, अब ये लोग लेते होंगे, खाते होंगे। तो यहाँ पे दुकान है और थैंक यू। ये देखो भाई, ये आई लाइक ताजे ताजे तरबूज है यहाँ पे। सोवियत टाइम का ट्रक भाई देख लो, काफी रेयर है, यहाँ पे बहुत जगह पे देखने को मिलता है। और ये है गेहूँ घास फूसे का चारा है, गेहूँ का चारा देख सकते हैं, ये लोग यूज करते हैं। हाँ हाँ, ये देखो भाई चलने की जगह बना रखी है, एक सेपरेट जगह है, रोड उधर है, दोनों तरफ चलने की जगह बनाई हुई है। अभी यहाँ पे देखो एक दुकान पे आपको ये मिल जाएगी खोल, जिसको बोलते हैं हमारे गांव में पशुओं को खिलाने के लिए। तो यहाँ पे भी बहुत सारे पशु होते हैं, गाय वगैरह, तो ये लोग ये भी रखते हैं। और ये जो तेल निकालने के बाद जो बचता है वही चीज़। ये कॉटन वाला जो है वो रुई निकालने के बाद जो चीज़ है वो है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखो। तो गांव में तो भाई सिस्टम सेम होता है, जैसे अपने वहाँ है वही का वही इधर ही होता है, सब जगह एक ही चीज़ होती है, मतलब कोई नया नहीं होता है। बस यहाँ पे ये है पानी बहुत ज़्यादा, हर जगह आपको पानी दिख जाएगा, नालियों में साफ़ सुथरा पानी बहता हुआ। तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ के बच्चा, आई लाइक दिस थिंग ऑल वाटर एवरी वेयर यू हैव वाटर एंड ग्रीन ट्री। यूज दिस वाटर फॉर ड्रिंक, फॉर विश, फॉर फिश, फिश, फिश। हाँ, वी हैव ऑल्सो दिस थिंग बट इन माउंटेन एरिया, इन हिमालय, बट इन अवर राजस्थान और रेगिस्तान डेजर्ट एरिया नो हैव वाटर। ये अपने माउंटेन में भी है भाई, हिमाचल प्रदेश में ऐसे ही चलता रहता है पानी, लेकिन अगर नीचे की तरफ जाओ वेस्टर्न की तरफ नहीं है। ये वाली चीज़ रसिया और उज्बेकिस्तान में बहुत मार्केट में देखी जाती है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये काफ़ी हेल्प के लिए काफ़ी बेहतरीन है। मैंने एक ट्राई किया इधर से लेके, थोड़ा कड़ा कर, बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है, इसका टेस्ट बहुत प्यारा है। बहुत सारे भाई देखो इधर, यू कैन सी, कैन आई कैरी? नो आई डोंट ईट। फॉर मी ओके ना, किसी की प्रॉपर्टी है पर ले लिया मैंने। दिस फ्रूट्स, दिस वाटर। ये है एक सेव का पेड़, ये देखो सेव लगी हुई है देखो, और ये नीचे गिरी हुई। ये है अंगूर, बहुत सारे अंगूर अभी कच्चे हैं, लेकिन ये सेव तो भाई ऐसे ही गिरे हुए हैं, कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है, कोई ले भी नहीं रहा है। जितना मर्जी ये सेव खा सकते हो, बहुत सारी सेव आप देख सकते हो। ये देखो अभी सेव पके नहीं है, लेकिन मैं इसको ट्राई करूंगा। आई थिंक आई बाय दिस वन, दिस इज ओके। चलो यू कैन रिकॉर्ड कंटिन्यू। ये देखो भाई इधर से सेव लिया। Delicious or? Yeah. वे देखो अंगूर लटके हुए, अंगूर
कितने सारे भाई देखो, एंड दिस इज ऑल्सो सेव एप्पल। वाओ इट्स डिलीशियस, डिलीशियस मोर देन योर दिस। भाई कमाल है यार, हर जगह सेव ऐसे ही पड़े हुए, कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है, अपने बाजार में लेने जाते हैं। ये देखो कमाल हो गया यार, यू आर लक्की ब्रो, यू हैव एप्पल ग्राफ्स एवरीवेयर फ्री ऑफ चार्ज। ये देखो इधर भी ये वाले, कमाल हो गया यार ये तो। और ये लोग तो इसको पार्किंग के रूप में यूज करते हैं ये अंगूर को। दिस इज पार्किंग एंड दे ऑल्सो ईट ग्राफ्स। ये देखो ये पूरा सामने दिख रहा है, वो भी पूरा पार्किंग एरिया है, वो अंगूर का बना रखा है खेती बाड़ी, वो देखो। वाओ तो भाई मैं ये सेब खाता हूँ देखो। दिस वन ऑल्सो एप्पल। वाओ थाउजेंड ऑफ किलो एप्पल। फूल देखो भाई, गुलाब। देखो भाई कितने सारे फ्रूट है, आप देखो हैरान रह जाओगे, पूरा पेड़ लाल हो रखा है और कोई नहीं खा रहा इसको। बहुत सारे फ्रूट हैं। वाओ ये देखो ये देखो ये देखो। But you must wish. Boss. If you want. हाँ ओके ओके। इसको धो करके खाना चाहिए, धोने के लिए भी कहीं जाना नहीं है। इस पेड़ के नीचे ये नदी चलती है छोटी सी। भाई लाइफ हो तो कुछ ऐसी हो, फ्री में सब फ्रूट मिल रहे हैं, धोने का पानी यहाँ चल रहा है, बहुत ठंडा मौसम है, घर भी बिल्कुल पास में ही है यार। ये लाइफ तो इस लाइक जन्नत। अवर लैंग्वेज इज स्वर्ग, स्वर्ग लाइक जन्नत, लाइक गॉड प्लेस। यार eat directly? No. Like it? No. You may eat. It's very delicious. बहुत बहुत मीठा, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। सेव खा लिया, वो दूसरे वाला वो भी खा लिया, ये भी खा लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई रोक टोक नहीं है, जहाँ मर्जी आओ खाओ। और नदी चलती है यार, मतलब कितना खूबसूरत है यार, बहुत वंडरफुल लाइफ है। योर हार्ट फॉर योर हार्ट। हाँ वेरी वेरी यूजफुल एंड यू विल बी स्ट्रॉन्गली। ये हार्ट के लिए बहुत सही है और खाने पे बहुत ज़्यादा इसके फायदे होते हैं। This is drinking water. Hmm? Drinking water. YouTube blogger. Yeah. You can find. So अभी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, हम लोग वापस सिटी में जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक्स टू माई फ्रेंड ओयबेक। सो ओयबेक ने अपना टाइम निकाला, अपना बिजनेस छोड़ के मेरे साथ आए, घुमाया, ये इंग्लिश बोल रहे थे, थोड़ा ईजी हो गया तो काफ़ी बढ़िया लगा। थैंक यू Oybek. Yes, thanks to for traveling. Enjoying. Yes, thing. Yes. So, अभी हम चलते हैं वापस सिटी में, 4-5 किलोमीटर और जाएंगे और उसके बाद आज रेस्ट करेंगे, कल यहाँ से निकल जाएंगे।